वेब 3.0 तो मुझे मेटावर्स जैसा ही लगता है। सिमेंटिक वेब की बात होती तो लगता है ये वेब 3.0 ही है। मन में इतने सारे प्रश्न है अमित, इन प्रश्नों का जवाब तो दे दे। इतने सारे एपिसोड्स तूने बनाए हैं वेब 3.0 पे, मेटावर्स पे, AR पे, VR पे, सब आपस में रिलेटेड लगते हैं मुझे तो। चलिए कर देते हैं इन क्वेश्चनों का आंसर आपके लिए। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरी के नए एपिसोड में, जहां मैं बात करूंगा वेब 3.0 से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस के, जो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। लोग पूछ रहे थे कि वेब 3.0 और सिमेंटिक वेब तो एक जैसा ही लगता है। हाँ जी, सिमेंटिक वेब एक तरह का मेन पीस है जो कि वेब 3.0 में इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी मदद से ही हमारा वेब कंटेंट और यूजर कमांड जो हम लोग डालते हैं वो AI एनेबल होती है। मतलब इसकी मदद से ही हम रिस्पॉन्सिवनेस, पर्सनलाइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर की वेब 3.0 के बेनिफिट्स देता है। पर हाँ, वेब 3.0 में और भी चीजें हैं जो कि वेब 3.0 को डिफरेंट बनाती है, जैसे ब्लॉकचेन। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सिमेंटिक वेब और वेब 3.0 एक जैसा है। अब आती है प्रश्न, अमित तूने गोलू ने पूछा था कि वेब 3.0 जो है ना वो मेटावर्स जैसा ही है क्या, या मेटावर्स ही वेब 3.0 है क्या? तो देख लीजिए, मेटावर्स एक तरह का यूजर एक्सपीरियंस देता है जो 3D ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल करके, इंटरनेट का यूज करके आपको वर्चुअल स्पेस में कुछ काम करने के लिए एनेबल करता है, ताकि आपको फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड में एक बाउंड्री का अनुभव नहीं होता है और आप एक जैसा काम करते हो। लेकिन मेटावर्स में ब्लॉकचेन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि वेब 3.0 आपका डिसेंट्रलाइज है और इट इज मोर सिक्योर फॉर डिजिटल कंटेंट एंड टोकनाइज बेस्ड है, वो ध्यान रखने वाला विषय है। और अगर सोचा जाए तो मेटावर्स के आने के पहले भी अगर आप कहीं देखोगे तो वेब 3.0 का जिक्र हुआ है। ऐसा नहीं कि वेब 3.0 एक जैसा ही अलग से चल रहा था या साथ में पैरेलल चल रहा था। वर्चुअल वर्ल्ड की बात की जाए, मेटावर्स की बात की जाए, तो वेब 3.0 रिलेटेड हो सकता है क्लोजली, पर ऐसा नहीं कि मेटावर्स ही वेब 3.0 है। मेटावर्स के अंदर आप वेब 3.0 का यूज कर सकते हो। अब आती है बात कि वेब 3.0 और ब्लॉकचेन आपस में कैसे रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों डिसेंट्रलाइज्ड हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली यूज करता है क्रिप्टो करेंसीज को, डी एप्स को, NFTs को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, ये सारे वेब 3.0 के या है यूज केसेस। तो अल्टीमेटली मेजर रोल कौन अदा कर रहा है? वेब 3.0। तो कहने का तात्पर्य कि वेब 3.0 के यूज केस इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन के साथ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेब 3.0 को डिसेंट्रलाइज डेटा मॉडल देता है वो आपका ब्लॉकचेन ही दे रहा है, तभी यूज केसेस पता लग रहे हैं। प्रश्न एक भी आता है, वेब 3.0 आया कहां से? वेब 1.0 था, 2.0 इवोल्यूशन की बातें अमित आपने की तो हैं पिछले एपिसोड के पहले वाले एपिसोड में, लेकिन अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब से अगर देखा जाए, पहले वेब 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 अलग क्यों आ गया? तो मैंने बताया था आपको कि 3.0 आपको गारंटी देता है कि आप डेटा को की ओनरशिप कर पाओगे, आप अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को कंट्रोल कर पाओगे। तो आपके पास पर्सनलाइजेशन भी आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई, इसलिए वेब 3.0 का जन्म हुआ, जो कि इवोल्यूशन में आपको प्रॉपरली समझ में आ जाता है। फिर आती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं वहां पे, राइट? उन कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट को हैक कर सकते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बनेंगे उनको क्या हैक किया सकता है? मतलब वेब 3.0 हैकेबल है क्या? हाँ यार, प्रश्न तो आता है, क्योंकि ब्लॉकचेन आपको बोलता है कि यार आपको क्रिप्टो करेंसीज यूज करनी है, और हैक तो देखो हैकिंग ऐसी चीज है जो कि कहीं भी, मतलब प्योरली सिक्योरिटी की बात की जाए तो आप हैकिंग से बच नहीं पाएगा वेब 3.0, लेकिन हाँ ब्लॉकचेन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वहां पे, क्योंकि ब्लॉकचेन सिक्योर है। अगर ब्लॉकचेन टेक्निक प्रॉपरली एनेबल करी है तो वेब 3.0 को आप सिक्योर बना सकते हो, पर हैकर का कुछ भरोसा नहीं, आपको तो पता ही है। अब आती है क्रिप्टो कॉइन्स की बारी। वेब 3.0 में तरह तरह क्रिप्टो कॉइन्स हम लोग सुनते हैं, जैसे बिटकॉइन है, आपकी डॉजी कॉइन है, ये यूज कर सकते हैं। अब कोई मेरे जैसा इंसान अगर वेब 3.0 में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपको वेब 3.0 की टेक्नोलॉजी से का इकोसिस्टम बताते हैं कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या हैं, फिर आप म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करके कैसे, म्यूचुअल फंड्स में कैसे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल मेटा ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं, प्रेजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में बात मैंने की ही थी। तो ये तरीके हो सकते हैं जिससे कि आप वेब 3.0 में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कुछ बातें थी जो प्रश्न मेरे पास DM में आए थे इंस्टाग्राम पे, लोग पूछ रहे थे कि वेब 3.0 में और भी प्रश्न, तो हमें एक एपिसोड बना दो, तो बना दिया एक फटाफट वाला एपिसोड। तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरी को सुनते रहे। कहाँ मिलेगा आपको? Spotify, JioSaavn, गाना, हब पर, और जहां सुनेंगे वहां पर। तब तक आप Instagram पे @podcast.amit पर अपने मैसेजेस देते रहें और फीडबैक देना ना भूलें।